नमस्कार मेरे भाइयों को, सभी को। अभी अभी यानी हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर एक बड़ी डीसीएम गाड़ी में गौ माताओं को देखा गया। शायद वो काटने के लिए ले जा रहा है और चाय पीने के लिए रुका है। तो वहाँ के कुछ लोग, कुछ गौ भक्त मुझे कॉल करे तो बस 20 से 25 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं घर से निकल के भी 20 मिनट हो चुके हैं और ड्राइवर नहीं है, मुझे चलाना पड़ रहा और रूल्स के अगेंस्ट भी मुझे गाड़ी आज चलाना पड़ रहा। थोड़ा स्पीड ज्यादा है मेरी गाड़ी की और क्योंकि गौ माताओं को बचाना है, अगर मैं लेट करूंगा तो शायद वो वहां से निकल जाएंगे, इसलिए मुझे आज थोड़ा ज्यादा हेवी स्पीड में मुझे गाड़ी चलाना पड़ रहा। मैं आगे का वीडियो भी आपको मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद। जय गौ माता। गाड़ी दिख गई हमें, बस उसको चेस कर रहे, गाड़ी मिल जाएगी। बहुत भगा रहा है वो, और कितना भगाएगा, अपनी स्पीड से तो ज्यादा नहीं भगाएगा वो। बस गाड़ी मिल रही है, अभी सामने देख सकते हैं गाड़ी। ఏంది దేవేందర్ ఎవరు? నీకు దేవేందర్ నంబర్ నీ దగ్గర స్పీడ్ ఉందంటే ఆ దేవేందర్ లంజగడుకు చెప్పు, నాకు గుర్తుపడతావా? ఆ దేవేందర్ కి చెప్పు, చాలా బ్రోకరిజం చేస్తున్నాయి, నా చేతికి దొరికితే సంపేస్తాను చెప్పు. ఆ దేవేందర్ కి చెప్పు, చాలా కంప్లైంట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి దేవేందర్ కి, చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. నీలాంటి వ్యక్తులకి అయినా సపోర్ట్ చేసి మొత్తం స్లాటర్ హౌస్ కి పంపిస్తున్నాయి బండ్లు. చేతికి దొరికితే లంజ కొడుకు చేస్తాం. ఆ ఖాజా సేట్ ఎవరు? ఖాజా సేట్ అని కాల్ వస్తున్నాయి. పేరు చెప్పు, ఎక్కడ తీసుకొని వెళ్తున్నా అన్ని పేరు చెప్పు బిడ్డ, లేకపోతే నీ కూడా ఇవ్వ గ్యాస్ పెడతా. లోపడినాడు లోపడినాడు తెలంగాణ మే ఇస్ తరహ కే జ్యాదా కేసెస్ అబ్ చాలు హో గయే, క్యూంకి తెలంగాణ కా జో ముఖ్యమంత్రి హై వో గౌ హత్యారా ముఖ్యమంత్రి కహలా రహా హై ఆజ్, క్యూంకి एमआईएम के फेवर में व्यक्ति है और उनकी करकमलों द्वारा हजारों संख्या में गाय कट रही है, ऐसा ये खुद ड्राइवर कह रहा है कि ये जो रास्ते पे भी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ते से रोजाना 40 से 50 सिर्फ गायों की गाड़ियां और बछड़ों की गाड़ियां कटने के लिए जो भादुरपुरा स्लैटर हाउस है, जो उस क्षेत्र का विधायक एमआईएम का है, उस क्षेत्र का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है, उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्लैटर हाउस बने हुए हैं जो इनलीगल है और वहीं पर इनलीगल गाय जो सो कटती है। मैं आज मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, तुम्हारे बहुत सारे वीडियो मैंने देखा और बार बार आप कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूं और हमारा होता धार्मिक काम कोई नहीं करे, तो मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा अगर तुम कट्टर हिंदू हो तो ये देखो तुम्हारे राज्य में गाय कट रही है, गाय के बच्चे कट रहे हैं। आपको पता है मुख्यमंत्री जी, गाय अगर मरती है, गाय के बच्चे अगर कटते हैं तो बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा।
यानी तुम बहुत बड़े पापी हो और पाप के भागीदारी तुम बन रहे हो। अगर तुम सचमुच में हिंदू हो, मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, चंद्रशेखर राव को कहना चाहूंगा, अगर तुम सचमुच में हिंदू हो तो पहला काम गौ हत्या पर पाबंदी लगाओ, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लगाया है। हमारे को पता है हमारा धर्म क्या है, गाय का महत्व हमें पता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि एक बार देखो ये गाड़ी में मुख्यमंत्री जी कि कितनी बुरी तरह से गाय बंधी हुई है, कितनी बुरी तरह से। यह है गायों की परिस्थिति, किसी के नाक में रस्सी है, किसी के गले में रस्सी है, एकदम ऊपर गायों की रस्सियों गर्दनों को बांध दिया गया, यानी कितनी तकलीफ में है गौ माता, इसको देख के हमें पता चलता है। मैं हमारे कार्यकर्ताओं के हृदय से धन्यवाद प्रकट करूंगा और कहना चाहूंगा कि आज से कंटिन्यू गौ रक्षा के लिए काम करेंगे। अगर पुलिस साथ नहीं देती है तो ये गाय पकड़कर हमें मीडिया के सामने हम प्रेजेंट करेंगे या इस क्षेत्र के कमिश्नर ऑफिस के सामने हम गाय छोड़कर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सके तो मुख्यमंत्री के कार्यालय जो फार्म हाउस है, मुख्यमंत्री जहां रहेगा वहां पर ले जाकर ये गायों को रोड पर छोड़ेंगे और मुख्यमंत्री को बताएंगे कि देखो तुम्हारे राज्य में किस तरह से गाय कट रही है। सावधान कहना चाहूंगा मैं मुख्यमंत्री को, कम से कम अब से गाय ना कटे ऐसा कोई प्लान बनाओ, क्योंकि आज से हम रोड पर है।